अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज आदम, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत हो गए। आज है जुमे का दिन, तो आप सभी लोगों का जुमा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और ये अपनी आज की आखिरी जुमा होगी मेरे गांव में, गोगा में। इसके बाद इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जुमा पड़ेगी हमीदिया मस्जिद में, मुंबई के अंदर। एनसीएस में ये बोलते रहता कि आखिरी जुमा है, आखिरी थर्सडे है, आखिरी ये है, आखिरी वो है। तो बेसिकली अभी मुझे पता नहीं कि मैं वापिस कब आऊंगा गांव में। सबसे बड़ी बात, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि आज है कल नहीं। इट इज लाइक सब कुछ आखिरी है, अपना ब्लॉग भी आखिरी है। और सो आज जाना है भावनगर भी। पिछले दो दिन से काफी तगड़ी ठंडी लग रही है। अभी भी इट इज लाइक 17 डिग्री सेल्सियस हो गया भाई साहब। अभी थोड़ी देर पे 18 था, ये 17 हो गया। भाई यहाँ के जो लोग है आपको दिखेगा बिना स्वेटर के, बट स्टिल जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े के अंदर भी एक मोटा कपड़ा पहनते हैं जिसकी वजह से उनको ठंडी नहीं लगती। एंड हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने स्वेटर नहीं पहना है, इसलिए क्या आँखों का धोखा होता है। धूप में आके अलग ही सुकून मिलता है। ये आ गया अपना सेटअप भाई आखनी का। मुंबई जाने से पहले आपको एक फार्म पर भी लेके जाना है, लेट्स से अगर इतने दिन में पॉसिबल हो पाते हैं तो ठीक है। सुना काफ़ी ज़्यादा लेट था, बस स्टिल अगर मुझे 5 मिनट में नींद मिल जाती है तो मेरे लिए इनफ होती है, फिर मैं सीधा उठ ही जाता हूँ। A few moments later. सब मैं वापिस से जा रहा हूँ बाहर, क्यों खमन ढोकला लेने के लिए। अचानक ये मूड बन गया, यही नहीं अपनी आखिरी खमन ढोकला होगा जो भी आप ब्लॉग में देखोगे आगे। तो एक जगह पे तो खत्म हो गया खमन ढोकला है, क्योंकि सुबह सुबह जो काफी लोग नाश्ता लेके जाते हैं, 1-1 किलो 2-2 किलो खमन ढोकला, तो वो तो खत्म हो गया। अभी जा रहा हूँ दूसरी जगह पे, होपफुली यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि है इस गली में। ये आ गया भाई अपना खमन ढोकला भी गर्मा गर्म। भाई इसका मैं क्या बोलूँ, आखिरी खमन ढोकला। अस्सलाम वालेकुम। और आपका भाई रेडी हो चुका है जुमा की नमाज के लिए, तो चलते हैं अज़ान में। आके तो ये थे अपने गांव में आखिरी जुमा, तो इंशाल्लाह भी देखते हैं कब नसीब में होता है अभी साना यहाँ पे। सलाम अलैकुम। आज की इवनिंग का भी अपना कुछ प्लान है भाई। मुझे लगा कि हर बार की तरह इस बार भी अखनी बनेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। आज बना था अपने घर के अंदर जुमा स्पेशल बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज बिरयानी बनने वाली है, एंड साथ में कचुम्बर, तो भाई क्या ही बात है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने बस के टिकट्स के पेमेंट देने के लिए, एंड जो टिकट्स वगैरह निकाला अपने घर के पास में रहता है, वो गई अपने बस के टिकट्स के पेमेंट, यहीं पे उनका घर है पीछे। A few moments later. तो अभी आपका भाई जा रहा है भावनगर। क्यों?
हुआ भावनगर में आया था अल्फा के साथ में, क्योंकि इसका स्कूल का फन फेयर है और आपको फुल एकदम सेटअप वगैरह है, सब स्टॉल वगैरह लगे हुए यहाँ पे स्कूल के बच्चे वगैरह जो गैस थी, तो आपको थोड़ा सा लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे टोटल 28 स्टॉल्स है जहाँ पे खाने हैं और लेडीज के आइटम्स हैं। यहाँ पे मेरे सामने भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर का स्टॉल लगा हुआ है जो कि मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन लेगा। और ज़्यादा बेस्ट पार्ट मुझे स्कूल की ये लगती है कि यहाँ पे आपको फुटबॉल के लिए मिलता है, स्कूल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। पहुंच गया गाँव, काफी तगड़ी ठंड लगी रास्ते में, क्योंकि जैकेट वगैरह कुछ पहना हुआ है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। काफी ज्यादा मजा आया फन फेस्ट में, यूलू फेस्ट में जो कि था भावनगर में, जो मेरे भांजे की स्कूल है सेंट जेवियर्स। एक टाइम पे अपन में ऐसा किया करते थे हम स्कूल के अंदर, जो कि टाइम गुजर गया, ये भी टाइम है बच्चों का, तो भाई एंजॉय करो अपनी स्कूल लाइफ को, क्योंकि वो बार बार किसी को नहीं मिलती है। एंड ये मेमोरीज मुझे कलेक्टिव जो कि आपको बहुत याद आएगी जब आप बड़े हो जाएंगे। एक टाइम पे रात के बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं, फटाफट से मुझे स्टॉक को एडिट करना है, उसके बाद फिर कल का अपना एक लास्ट दिन, उसके बाद परसों अपन का ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई के, और वो भी काफ़ी ऐसा होने वाला कि मेरे पास दो प्रोजेक्ट है ना, दो नहीं तीन प्रोजेक्ट है मेरे, जो कि मुझे फटाफट से भी कंप्लीट करना है ब्लॉग को एडिट करने के बाद। तो सिर्फ अपना कल का दिन ही, उसके बाद परसों को जो है निकल जाना है मुंबई की तरफ। तो वेरी क्रेजी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, डू सब्सक्राइब इफ यू वांटेड
एंड प्लीज मेरा कमेंट करके जरूर बताओ आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। इस ब्लॉग में मैंने म्यूजिक का यूज किया हूँ क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे भी काफी सारे गाने बज रहे थे, अगर मैं उसको यूज करता तो मेरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आता जो कि मुझे नहीं चाहिए। ये जो मैंने म्यूजिक का यूज किया यूट्यूब की लाइब्रेरी में से यूज किया जो कि कॉपीराइट फ्री होता है, होपफुली इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम ना आए, अगर आए तो फिर म्यूजिक का भी ट्रिम कर दूंगा। तो इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, ये अपने आखिरी जुमा थे मेरे गाँव में। फॉर मोर अपडेट आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। शुक्रिया इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए, नेवर गिव अप, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। मिलता हूं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।